दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे हर हर महादेव। अभी तक मैं कैसा जो भी बाई करता था उसको मैं आपको दिखा देता था कि मैंने कौन कौन से शेयर बाई किए हैं, आप उस हिसाब से बाई कर सकते थे। बट मैं आपको रीज़न भी दे दिया करूँगा कि मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। देखिए, पहला आज के टाइम पे जो मैंने आज के, और ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जैसे कि इंटरटेनमेंट पर्पज़ और नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ से आप समझ सकते हैं। बाकी आपको पैसा आपका है, आपको ही इसमें इन्वेस्ट करना है और आपके हिसाब से करना है। बाकी ये मेरा सजेशन है जो आप कर सकते हैं। तो आज मेरा पहला शेयर है जिसको मैं बाई करने को बोलूँगा, वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। और ये मेरा, मैं इसको रिकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाई कर लीजिए, इसको बाई कीजिए। और मतलब ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस देखती हूँ। देखिए, आज ही ये 2.25%, 0.81% डाउन है 277 पहले के लगभग। आप इसका हाई देखिए 282 और लो 275। अब मैं वीक का देखूँ तो इसका देखिए वीक का लो 264 हो गया, मंथ का लो 250, ईयर का लो 164। यानी एक साल पहले ये 164 में था जो कि आज के टाइम पे 277 का चल रहा है। अगर मैं 5 साल का इसका देखूँ तो 104 में था। और मैं टोटल मैक्सिमम देखूँ तो जब ये लॉन्च हुआ था 31 मार्च 2014 का मैं देखता हूँ डेटा, तो ये 82 रुपीज़ का। और आप 14 है, यानी 8 साल में ये 3 गुना हो चुका, 8 24 तीन गुना हो चुका। अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, देखिए कई बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनके फाइनेंशियल समझो। आदित्य बिरला रिटेल की रिपोर्ट इवन नहीं देखेंगे तो 52.5 बिलियन है 2021 में, जबकि यही था 42% कंपेयर डिक्रीज हुआ है। लेकिन डिक्रीज हुआ है क्योंकि पिछले 2 साल में कपड़े किसने खरीदे उतने ज़्यादा, किसको जरूरत पड़ी कि वो कपड़े खरीद रहा है, वो जा रहा है, शादियाँ कम हो रही थी, लोग मीटिंग्स के लिए बाहर निकल कम रहे थे। तो अब जो है नेट इनकम फेल जो हुआ है वो अभी डाउन हुआ है, राइट। लेकिन ये अब बढ़ेगा, प्रॉपर रहे हैं, इंक्रीज है, 4.167 का बैलेंस शीट इंक्रीज है। अब यहाँ पे भी देखोगे 70 कैश फ्लो इनका 71.39% कैश फ्लो बढ़ा है इन कंपेयर्स टू 2020। और यही सबसे अच्छी बात है, किसी भी अगर कैश फ्लो बढ़ रहा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आदित्य बिरला फैशन रिटेल अर्निंग पर शेयर -11.1 फॉर 2021, डिक्रीज ऑफ 414% कंपेयर टू 2020। कोई फर्क नहीं पड़ता, आदित्य बिरला इतना स्ट्रांग है कि आज के टाइम पे आप जब ये वीडियो देख रहे हो और जो कपड़े आपने पहने हैं उसमें से कोई ना कोई चीज़ आदित्य बिरला से लिंक होगी। आप चेक कर लेना, मैक्सिमम हर कंपनी, कोई भी आप कंपनी देख के चेक करो, आदित्य बिरला ही बैकग्राउंड में बनाता है बैक एंड में। हमें लगता है कि वो एलन सोली है, हमें लगता है कि वो पीटर इंग्लैंड है, पर बैक एंड में हमेशा आदित्य बिरला रहता है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बाई है, 277 है। और मेरा टारगेट, मैं 1 साल का टारगेट बोलूंगा कि ये 350 के नियर बाई जाएगा, यानी 350 रुपीज के पास जाएगा। आप इसको 1 साल, और ये 1 साल का टारगेट मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है। दूसरा रिकमेंडेशन है सॉरी AIA इंजीनियरिंग। AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड का देखेंगे तो ये भी आज 0.84% नीचे डाउन हुआ है, लेकिन आज के टाइम पे इसकी प्राइस 1670 चल रही है। हाई आप इसका देखेंगे 1693 है। और 1 साल के कंपेयर करेंगे, 1 साल का तो 1548 से था, ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, राइट। अब मैं मैक्सिमम को कवर करूँ तो 108, यानी 2006 में ये जब हुआ था तो 100 रुपये का था, 1600 में 16 टाइम्स। और ये 16 टाइम्स तो डायरेक्टली दिख रहा है, बट आप इसको कंपाउंड से करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे चुका है। और अभी भी इसका स्कोप है, ये बुरा शेयर नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट। फाइनेंशियल की बात चलो देखते हैं। AIF इंजीनियरिंग के लिमिटेड का फाइनेंशियल देखोगे तो ये काफ़ी क्लियर फाइनेंशियल, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ 19% अप में ही है अभी भी। आप रिवेन्यू मार्जिन देखो, नेट इनकम में 5.7 बिलियन है, प्रॉफिट मार्जिन 19.65 है, राइट। तो आप इनकी बैलेंस शीट भी देख सकते हो, बहुत इजी है। गूगल में भी जो मैं दिखा रहा हूँ ये कहीं और नहीं है, गूगल में भी है, आप गूगल से भी ये सब चीज़ें देख सकते हो। कैश फ्लो भी इनका आप देखो, एवरीथिंग बढ़ ही रहा है, अर्निंग्स इंक्रीज ही है। 2021 में डाउन हुई है, बट एवरी वन नोज कि क्या हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 2022 में बहुत अच्छा करेंगे। तो इसका भी, AIA इंजीनियरिंग का भी मैं आपको ओवरऑल व्यू यही बोलूंगा कि आप इसको बाई करें। 0 आज की प्राइस है, जो मेरा रिकमेंडेशन है कि 2000 आराम से पहुंच जाएगी, 1 साल के अंदर में 2000 आराम से पहुंच जाएगी। ये आपका चॉइस है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। थर्ड मेरा है आलोक टेक्सटाइल, आलोक इंडस्ट्री, जो काफ़ी डूबी थी और काफ़ी लोगों का ने पैसा भी गंवाया। ये थोड़ा पेनी स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, बट ये मैं यही बोलूंगा कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं तो इसमें आप 1,000 रुपये से ज़्यादा मत डालो,
अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 है तो 1,000 रुपये से ज़्यादा मत डालना, 1,000 रुपये डाल के रख दो, आपके ऊपर है। ये 24 रुपये का आज के टाइम पे चल रहा है, और अगर आप इसका 5 साल का देखेंगे तो ये शुरू एक रुपये से हुआ था, यानी 2019 से लेकर 2022 तक इसने करीबन, आप देखो ये सबसे लो गया था, हुआ नहीं था ये, एक्चुअली लो गया था काफ़ी 95 में है, लेकिन 19 में आप देखोगे तो सबसे लो इसका गया था। यहाँ पे सब लोग, काफ़ी लोगों ने अपना पैसा कमाया, बट अभी ये ऊपर गया काफ़ी, और ये अभी यहीं पे रन कर रहा है। आप देखोगे तो इसी पे रन कर रहा है, जो हमें एक उम्मीद जगाता है कि आगे वो इंडस्ट्री वापस जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इनका देखोगे ऑपरेटिंग है माई फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग -2 पॉइंट। देखो मैं ये शेयर खरीद तो रहा हूँ, लेकिन तभी मैंने बोला कि इसमें काफ़ी रिस्की चीज़ें हैं, बट ये एक पेनी स्टॉक है जो अच्छा कम टाइम में थोड़ा पैसा रिटर्न अच्छा दे सकता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें वही पैसा डालिए जो आपको लगता है कि लूज भी हो जाए तो नहीं है। और मैं इसको बाई करने के बाद ही बता रहा हूँ, मैं जो भी आज बता रहा हूँ वो आपको ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इससे आगे चलूँगा। कोल इंडिया बाई है, इसको मैं बाई में रिकमेंड करूँगा, और इसका आप देखोगे तो एक अभी आज के टाइम पे 180 चल रहा है, एक महीने का इसका आप देखोगे तो एक महीने में 150 था, यानी 180 से 150 से ये 180 तक गया है, एक साल का आप देखोगे तो 124 से ये 180 तक गया है। परसेंटेज आप खुद सेम ही है, मैक्सिमम आप देखोगे जब लॉन्च होता है मैक्सिमम का छोड़ देते हैं, 114 सबसे लोवेस्ट गया है जहाँ से वो 180 तक। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे कैश फ्लो की ही बात करूँगा, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कुल रिपोर्टेड कैश फ्लो ऑफ 108 बिलियन एंड इंक्रीज ऑफ 112, तो ये और आज के टाइम पे जैसा ये 180 का चल रहा है, तो मेरा टारगेट है कि 200 आराम से पहुंच जाएगा एक साल के अंदर में, 200 रुपये पहुंच जाएगा। और दूसरी अच्छी बात है कि कोल इंडिया में डिविडेंड भी आता रहता है, आप इसमें डालोगे तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, तो आप डिविडेंड से भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो मंथली। जीलन पे आते हैं, जीलन आज के टाइम पे ये भी एक पेनी स्टॉक में, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज को रिकमेंड किया था वैसे मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा, आप 1,000 रुपये से ज़्यादा मत डालिए, आपको जब भी इनकम आती है आप उसको, हाँ वो कंपाउंड करना है कंपाउंड करते जाइए, कोई बुरा कंपेयर करो तो 10 रुपये से 13 रुपये पहुँचा, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मैंने हाँ अभी इसको ले लिया है। कैश फ्लो आप देखोगे तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हुआ है कैश फ्लो 89.79% से, तो रिस्की स्टॉक है, आपको लेना है नहीं लेना है तो आपकी चॉइस है। अगर आप मुझसे बोलोगे मैंने लिया है, लेकिन मैं अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इसको बोलूंगा कि अभी मत लो आप, ठीक है। अभी ये स्टॉक है एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज, डेफिनेटली ये आप इसका एनालिसिस देख लीजिए आप, एक 300 रुपये अभी चल रहा है जो हाई 305 था, एक महीने का मैं दिखाता हूँ आपको 262, एक साल का आप देखो इसको 262 अप्रॉक्सीमेटली था सेम प्राइस, साल में ये 3 गुना हुआ है, 5 ईयर्स में इट हैज़ गिवन यू 3 टाइम्स इनकम, तो ये आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा स्टॉक है और कितने अच्छा जा रहा है। इसके फाइनेंशियल पे हम बात करते हैं तो इसका आप इनकम देखोगे तो ये बढ़ा ही है, अगर आप इसके 1.5 बिलियन बढ़ा है, 13.7 के नेट इनकम ग्रोथ हुई है, इनकम शेड में भी जो 11.5 बिलियन था 2021 में वो इंक्रीज है 17.79% शेयर, इसके खुद के कैश फ्लो और इसका बैलेंस शीट बढ़ रही है, तो ये डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट देगा, आप इसके कैश फ्लो में डाल सकते हो। अर्निंग्स पे आप देखो इसका कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, कहीं भी डिक्रीज नहीं दिख रहा है मुझे इसका, राइट हर फिस्कल ईयर का, तो मेरा यही है कि ये स्ट्रांग बाई है। मैं एडवांस एंजाइम को आपको एडवांस बाई करने के लिए बोलूंगा, जिसमें 300 का टारगेट मैं डेफिनेटली बोलूंगा विद इन ईयर ये 400 तक पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से ये चल रहा है 400 क्रॉस कर जाएगा। अब नेक्स्ट है मेरा अपोलो टायर्स लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड भी अच्छी एक मल्टीनेशनल टायर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, और ये 1972 में इसने केरला में शुरू किया था, राइट केरला में शुरू किया था, और आज अगर आप इसका 181 है, राइट, और अगर इसका हाई एक महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक महीने में 171 से 120 10 रुपये बढ़ी है, लेकिन एक साल का देखेंगे तो सेम है, लेकिन वही आप 5 साल का देखेंगे तो 2 टाइम्स विद इन अ 5 ईयर्स यू मनी जो आपने पैसा डाला था वो डबल हो चुका है, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आराम से आप ले लो, ये 250 के ऊपर चला जाएगा एक साल। और अपोलो टायर्स का आप देखो बहुत ही ईजी है, इनका एनुअल रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, क्वार्टरली नहीं देख रहा, क्वार्टरली अगर देखेंगे तो आपके ये है, ये देखेंगे तो इसने नेट इनकम 26.49 के हिसाब से फॉल हुई है, राइट, इनकम स्टेटमेंट, बट बैलेंस शीट अभी देखते हैं, बैलेंस शीट इनकी बढ़ी है, राइट, इंक्रीज है 12.7 का। कैश फ्लो इनका देखते हैं, कैश फ्लो में डिक्रीज हुआ है 2.80 का, अर्निंग्स 42 इंक्रीज हुई है, अर्निंग इनकी इंक्रीज हुई है 42.1 से।
कैश फ्लो इनका इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है 2.80 से, जो थोड़ा सा वरी करता है मुझे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप इसको रख सकते हो कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में ही रखोगे। फर्स्ट कैटेगरी में जैसे मैंने बोला, आप AI इंजीनियरिंग को और एडवांस ये था ना, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज, इनको आप रख सकते हो, इसको आप सेकंड कैटेगरी में रख सकते हो। है मेरा जेट एयरवेज, जेट एयरवेज भी पेनी स्टॉक है, इनको आलोक इंडस्ट्रीज और जी लर्न के साथ ही रखो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा करें तो ये 13 रुपीज़ 89 आया है, बट बेटर है, कोई बुरा नहीं, आप ले सकते हो इसको। आप मैक्सिमम देखोगे तो ये मैक्सिमम का पूरा चार्ट था, यहाँ से जो गिरा है ये गिरते गया, ये स्टेबल चल रहा है और ये उसके उठने के चल रहे हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैं यही बोलूँगा कि प्रिसीजन वायर, ये भी एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में लूँगा मैं। मुझे ये कॉपर वाइंडिंग वायर्स बनाता है जो कि काफ़ी यूज़ होती है, साउथ एशिया में बेचता है काफ़ी कुछ। तो आप इसका एक एक दिन का परफॉर्मेंस 85 है, 22.52 के नीचे से आप देखोगे तो ये 83 से 85 है, एक साल में ये 35 से 85 आया है। तो आप अगर देखोगे तो 3 गुना, अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम्स हुआ है, ये एक साल में 3 टाइम्स हुआ है, राइट? तो इतना तो कहीं नहीं होता, इसीलिए इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिस हिसाब से कॉपर वायर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, नेटवर्किंग हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इंडिया के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे ग्लोबल के हिसाब से ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यस, बीच में कॉपर इनके प्राइस बढ़े थे तो इनके भी मार्जिन में, कैश फ्लो में अफेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिकवर कर लेंगे। अब यार देखो तो इनका इंक्रीज देखो, 27% का कर रहे हैं, तो वो कितना आगे जा सकते हैं? तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं हमारे लिए। ओवरव्यू तो यही है कि आप 85 रुपीज़ में ले लो, अच्छा खासा इन्वेस्ट बताना मुझे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको, मैं आपको पोजीशन में दिखा देता हूँ,